बनारस में गंगा उफान पर है और अब खतरे के निशान को भी पार करके गंगा तेजी से जो हाईएस्ट लेवल है उसकी तरफ बढ़ रही है। बात यदि हम गंगा के साथ वरुणा की करें तो वरुणा ने भी भारी तबाही मचा रखी है और आप तस्वीरों में तो साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ, कभी घर हुआ करते थे लेकिन वो अब सब कुछ जो गंगा और वरुणा का पानी है उसमें समा चुका है। लोग परेशान हैं, लोग राहत शिविर तक जा रहे हैं और वहाँ भी शायद लोगों को राहत नहीं है। लेकिन अब इस बाढ़ की तबाही के बीच जहाँ एक और NDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लोगों को बाहर निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अब मदद के लिए लोगों के पास आ रही है, लोगों तक राहत सामग्रियाँ पहुँचा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि लोग पहुँचे और उन लोगों की मदद करें जो बाढ़ में पीड़ित हैं और उसी को के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अब उन बाढ़ राहत शिविर तक पहुंच रहे हैं, उन बाढ़ क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं जहां लोग परेशान हैं, जहां लोग खाने के लिए परेशान हैं और वहां लोगों को राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये BJP के कार्यकर्ता हैं जो NDRF की नाव से बाकायदा बाढ़ क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों को राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। अलग अलग स्तर BJP की टीम है और ये टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और वहाँ पर लोगों को राहत सामग्रियाँ उपलब्ध करा रही हैं। बात यदि हम वाराणसी में गंगा की करें तो वाराणसी में जो गंगा का स्तर है वो अब 72 मीटर के करीब पहुंच चुका है और लगातार जो दर्जनों मोहल्ले हैं, जो कई सारे गांव हैं, वो जलमग्न हो गए हैं और लगातार वहां पर लोग मुसीबत में हैं और अब उनके मुसीबत से उनको राहत दिलाने के लिए, उनका राहत पहुँचाने के लिए जो हाथ हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। अभिषेक जायसवाल, News 18 वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और जहाँ जहाँ भी जिस भी ज़िले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वो सूखा राशन और पका राशन के साथ साथ पानी की बोतल भी का वितरण करें। आज हम सब इस एरिया में सलारपुर में हम लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पे जो घर में फंसे हुए थे लोग उनके बीच में पका हुआ अन्न, साथ ही सूखा राशन और पानी का वितरण हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और सबसे पहले इस जनसेवा में जुटने का काम किया, साथ ही हमारी एक हेल्पलाइन सेंटर भी बनी है। अगर कोई रोगी है और कोई रोगग्रस्त है और उसको दवा की ज़रूरत है तो उसको दवा भी पहुंचाने का हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर, माननीय योगी जी के आह्वान पे हम सब भारतीय जनता पार्टी के एकक कार्यकर्ता आज सड़क पर हैं और बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, उनके बीच में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है उसको बांटने का काम कर रहे हैं।